सिनेमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने सोचा कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक सिनेमा है और लोगों को काफ़ी टच करेगा ये सब। ठीक है सर, पहले मैं अभी ईनाडो न्यूज़ पेपर ने पढ़ा के लिए पति के लिए बात किया, मैं बहुत इंस्पिरेशन आया कैमरा लुक। पहले यहाँ से मैं बारामती किधर है मेरे को पता नहीं मालूम, यहाँ से मैं सीधा बॉम्बे जाता, बॉम्बे में सूर्य और फिर यहाँ से बारामती आया। बारामती के आज का घर घूमने का बहुत इधर इधर घूमने का बहुत टाइम लगा था, और एक बार मिलेगा मेरे ऑटो वाला पूछा मेरे सबसे आज का घर आज के पास मैं गया उसको अंदर काली लाइट नहीं कुछ नहीं खाना नहीं कुछ नहीं बहुत गरीब पोजिशन था लेकिन आत्मस्थल बहुत गरीब लेकिन मैं देखा उसका घर आने की बड़ा महसूस था लेकिन पति का हालत अच्छा नहीं है मेरे लिए बात किया था मेरे को बड़ा थोड़ा ही आ गए छाप मैं जा रहा हूँ उसको लेकिन यहाँ से मैं अभी पूरा वो कहानी मैंने सोचा यहाँ से मैं 2013 से बहुत मुश्किल किया था, एक प्रोड्यूसर भी आएगा लेकिन ये क्या बोल रहे हैं अभी दूसरा आर्टिस्ट कमर्शियल आर्टिस्ट लगे तो अच्छे लगते बोला, लेकिन मैं ये न्यू डिजिटल ऐसी सोचा मैं मूवे फिल्म इसके पहले सुन रही थे और मूवी ने हालत बड़ा बड़ा डायरेक्टर ये रास्ता भी अच्छे लगे, तो बाद में मैं कृष्णा सर मेरे मिलेगा मेरे कृष्णा सर में सब्जेक्ट बोला लेकिन वो सब्जेक्ट खाली 3 मिनट में क्या 3 मिनट सुना है लेकिन वो बोला उसको पहले रजिस्टर किया था ये फिल्म, ये बहुत बड़ी बात है लेकिन ये कहानी कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये कमर्शियल आज का दिन कमर्शियल वाले इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये पूरा गावटी फिल्म है लेकिन पूरा अनुभव आर्टिस्ट सर बोले तुम करो, मेरे को बहुत इंस्पिरेशन लेकिन मदद दिया जाते बीच में रुक गया और फिर आ गया लेकिन पूरा हो गया पिक्चर। इसके पहले मेकिंग के लिए बहुत मुश्किल आ गया लेकिन वो आगे 2 बार अस्पताल चले गया इसको बोन फ्रैक्चर भी आया लेकिन इतना दूर से आके नेचुरल के लिए और फिर वो भी संकल्प बहुत बड़ी है ऐसा किया था और पिक्चर भी पूरा अननोन आर्टिस्ट है इसकी पहली फिल्म लेकिन फर्स्ट टाइम इंडियन न्यू रिलीज फिल्म इसका 99% रियलिस्टिकल गावटी वाला है। सर आप पहले मैं माता कार्य को प्रणाम कर रहा हूँ इतना डर मुझे एक बात के लिए सोच के बोला मेरा नवीन एक बार मुझे मेरे बोला अच्छा पहले उस फिल्म कमर्शियल में नहीं निकाल नहीं बोला हर एक लोगों को मैसेज हो अभी इतना बुढ़ा आदमी इतना बाग के पति के लिए इतना मेहनत करे कोई भी नहीं कर रहा है अभी जनरेशन में कौन करे अभी ये देखने को भी अभी हर एक लोगों को भी मैसेज आ रहा है अभी इतना बुढ़ा गिर के अभी उसका प्रॉब्लम पति को प्रॉब्लम है तो इतना बाग के और पैसे लेके फिर हॉस्पिटल में देखने वो पूरों को मैसेज उसका मैं कोई भी सोच रहा आपका मीडिया से भी मैसेज कर रहा हूँ मेरे को हिंदी थोड़ा आता है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए क्या कुछ स्पेशल स्पेशल बोलो पूरों को स्पेशल बोलो तो अभी इतना बुढ़ा है अभी इतना बाग के ऐसा कर ले हर इन लोगों को एक इंस्पिरेशन रहता क्या करना कि उसमें पूरों को भी देखने को इंस्पिरेशन आता उन कैसा भागा कैसा कर लिया हमारे लिए भी अब देश के भी कैसा करना वो सोचना बोलते मैं मैसेज दे सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म बहुत बड़ी मैसेज एक एक व्यक्ति एक एक संघर्ष ले सकते हैं इसका फिल्म आखिर मैसेज और छोटी बच्ची दूसरे अलग सोचते हैं और बढ़िया अलग सोचते हैं और बुढ़ा अलग सोचते हैं लेकिन मैसेज बहुत अंदर से चले जाते हैं बहुत बढ़िया मैसेज है लेकिन इतना उम्र में संकल्प है तो कोई भी कर सकते हैं आदमी यही मिशन।